और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है रायपुर से, जहां संविदा कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल जारी है। आज घुटनों के बल हड़ताली कर्मचारी चलेंगे और घुटनों के बल चलकर सरकार को दंडवत प्रणाम करेंगे। 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है ये संविदा कर्मचारी। हड़ताल के दौरान कई अलग अलग तरीके के प्रदर्शन ये अब तक कर चुके हैं और लगातार हमारे साथ हेमंत जुड़े हुए हैं। हेमंत, लगातार हड़तालियों की जो नए नए तरीके हैं वो सामने आ रहे हैं, आज क्या नया तरीका अपनाएंगे? हाँ, देखिए 3 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर ये तमाम संविदा कर्मचारी हैं और तूता जो नया रायपुर धरने स्थल है वहाँ पर एकजुट ये हुए हैं। और इनकी एकमात्र जो मांग है दूसरा वो नियमितीकरण की है। बजट सत्र में इनको काफ़ी उम्मीदी थी, उसके बाद जब विधानसभा के मानसून सत्र में अनुपूरक बजट पेश हुआ उस पर भी इनकी निगाहें थी कि कम से कम इस अनुपूरक बजट में इनकी मांग को शामिल किया जाएगा, लेकिन कोई फैसला नहीं आने की वजह से इन्होंने जेल भरो आंदोलन किया था। हरेली तिहार के दिन इन्होंने एक पारंपरिक तरीके से प्रदर्शन किया था और अलग अलग तरीके से ये अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहे हड़ताल के दौरान। और आज 23वें दिन, जब 3 जुलाई से ये पूरी हड़ताल शुरू हुई थी और आज इस हड़ताल का 23वां दिन है, 23वां दिन तमाम संविदा कर्मचारी घुटनों के बल चलकर दंडवत प्रणाम कर सरकार से अपील करेंगे कि उनकी जो मांग है नियमितीकरण की वो पूरी कर दी जाए। कुछ संविदा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री से मिलने की भी कोशिश की है, लेकिन मुख्यमंत्री की व्यस्तता होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। इसके साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं दीपक बैज, उनसे भी रविवार को कुछ संविदा कर्मी मुलाकात करने पहुंचे थे, लेकिन दीपक बैज ने उनसे मुलाकात नहीं की थी और इसी की वजह से तमाम संविदा कर्मचारी नाराज हैं। और एकमात्र तरीका जो है अपनी मांगों को लेकर अपील करने का वो यही है कि प्रदर्शन के जरिए वो अपनी मांगों को पूरा करवाने की कोशिश करें और इसी क्रम में आज प्रदर्शन होगा। हालांकि सरकार की ओर से अगर बात की जाए तो कोई भी विचार विमर्श सरकार के की ओर से नहीं किया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हेमंत।